बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक बर्तन ले लिया, ये देखें इस तरीके का बर्तन है छोटा सा, और इसमें हम दही जमाएंगे। और ये मेरे पास दूध है, और इसका दूध डालेंगे इसमें पोहे के साथ। बिस्मिल्लाह, और ये दूध आपका गर्म करके आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना। ये देखिए इसको खट्टा लगाएंगे। अगर आपकी दही बाजार की है तो ज़्यादा खट्टी आधा चम्मच आपने ले लेना है, और आधा चम्मच चीनी का लेकर दोनों मिक्स करके लगा लेना। ये देखिए मैं बस ये चम्मच का हल्का सा बस निशान ही करना है इसको, क्योंकि मेरी दही मीठी है, इसको मैं टच ही करना बस ऐसे, बस इतना सारा आपने कर देना है इसको। दो तो तीन बार ऐसे कर देंगे तो नीचे से उतर जाएगा। ये देखिए अब इसको मैं नकरा लगा के रख दूँगा, सुबह आपको दिखाएंगे ये कैसी हमारी दही जमी। बहुत शानदार, बहुत मज़े की दही जमेगी। अगर आपने मेरा चैनल अजरबास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। अब देखेंगे इसके ऊपर ढकना, और इसको रख देंगे लपेट के अच्छे तरीके से। ये मैंने एक बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर मैं इसको रख के ऊपर से बिस्मिल्लाह, और ऊपर से इसके मैं कपड़ा दे दूंगा, गर्म कपड़ा कोई भी आप दे दें इसको अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाह, नहीं जम चुकी, अब इसको निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी दही जमी। देखिए ये देखिए मंदार दही, जैसे नेस्ले की दही होती है इसी तरह की दही है। अगर आपने मेरा चैनल अजरबास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मीठी दही है, कोई स्मेल नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं है। ये देखिए बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पराठे पराठा। ये देखें